हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चोको चिप कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने ये देखिए हाफ कप मैदा लिया हुआ है रिफाइंड फ्लो, एंड 3 स्पून मैंने लिया हुआ है शुगर पिसी हुई है, एंड ये देखिए बटर लिया हुआ है, इसमें 1/4 कप बटर लिया हुआ है, अनसॉल्टेड बटर है। आप बेकिंग सोडा डालेगा 1/8 टीस्पून, डैट मीन्स अ पिंच, और ये 1/4 टीस्पून ये डालेगा वनीला एसेंस डालेगा, अ पिंच सॉल्ट डालेगा, और बाकी चोको चिप्स कुकीज़ है तो चोको चिप्स तो हैं ही। चलिए अब हम चोको चिप्स कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। चोको चिप्स कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डालेंगे, देखिए बॉल में बटर, थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है इसको। इसके बाद ये शुगर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो रिफाइंड फ्लोर था, अब हम इसको, इसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। टाइम पे अब हम देखिए बेकिंग जो सोडा था, देखिए लिया तो मैंने ज़्यादा हुआ है, पर मैंने इसको अब पिंच डालना है, 1/8 टीस्पून मैंने आपको बोला था, तो बस अब पिंच सोडा डालेगा, अब पिंच सॉल्ट डालेगा। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तरीके से मिक्स कर लेंगे इसका डो, देखिए अब अच्छे से ये मिक्स हो गया। इसके बाद अगर हमें लगेगा तो थोड़ा सा हम इसको हाथ से भी कर लेंगे। इसको हाथ से अच्छे से देखिए मिक्स कर लेंगे, देखिए बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से, ये देखिए डो बन गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक। मैंने जो आपको रेशियो बताया है कितना क्या डालना है, आप चाहे ज़्यादा बनानी है तो आप उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, 1/2 कप का 1 कप कर सकते हैं। ये कुकीज़ आप बनाइएगा, देखिएगा घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। और चीनी का भी आप देख सकते हैं, शुगर आप बहुत कम खाते हैं तो और कम कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा डो बिल्कुल ये देखिए रेडी हो गया है। हम चलिए इसकी कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, इससे कुकीज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम छोटे छोटे। देखिए ये थोड़े से बेक होने के बाद साइजिंग का बढ़ जाता है, तो आपको जिस साइज़ के चाहिए बना रहे हैं आप उससे डबल हो जाता है, तो ये हम छोटे छोटे इस टाइप से सारे बना लेंगे। तरीके से सारे छोटे छोटे से इनकी शेप की सारे बना के रख लेते हैं। देखिए सारे मैंने कुकीज़ से बना लिए, शेप दे दिए। इसके बाद हमें इसको लगाना है, चोको चिप कुकीज़ हैं तो चोको चिप्स लगाना है। इस तरीके से इसके ऊपर हम चोको चिप लगा लेंगे और इसको इसी तरीके से रखते जाएंगे। चलिए इसी में हम सारों में इसी तरीके से चोको चिप अच्छे से लगा लीजिएगा, कि बच्चे देख के ही उनका मन करेगा खाने का। ये देखिए इस तरीके से हम चोको चिप्स लगा लेते हैं सब में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुकीज़ पे चोको चिप्स लग गई है और सारे अच्छे से तैयार हो गए हैं, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको करना क्या है हमें, कि 15 से 20 मिनट के लिए हमें बेक करने से पहले इसको फ्रिज में रखना है। तो चलिए अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 15-20 मिनट बाद, उसके बाद हम OTG में अवन में इसको बेक होने के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 15 से 20 मिनट मैंने फ्रिज में रख लिए थे। अब इनको हम ये देखिए बेकिंग ट्रे में ये बटर पेपर रखा है, और उसके बाद हम ये तो बहुत दूर दूर रखेंगे, हम बिल्कुल उनको पूरी जगह देंगे कि उनका, ये देखिए
चलिए अब हम इनको बेक करना रख देते हैं अवन में 180 डिग्री पे, हमें 15 से 20 मिनट अराउंड लग जाएगा। चलिए अब हम इसको बेक करने रख देते हैं। मेरे चोको चिप्स कुकीज रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए। बस आप इसका ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने जितना बताया उसी मेजरमेंट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, देखिए पीछे से मैं दिखाती हूँ, गर्म है ये, देखिए कितने अच्छे से बेक हो गए। अभी इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने तो बच्चों के हिसाब से बनाया है कि एक छोटा साइज़ जो बच्चे इजीली अच्छे से खा लें एक बार में। तो चलिए ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा ज़रूर। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चोको चिप्स कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने के लिए। इनको ज़रूर ट्राई करिए और बच्चों को खिलाइएगा और बताइएगा कि उनको कैसे लगे। और मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि देखिएगा बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे छोटे छोटे चोको चिप्स कुकीज़। आप बनाइए और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।